तो आज ना एक और नई वीडियो में और आज ना पांच पावरफुल एंड्रॉइड एप्लीकेशन लेकर नहीं आया हूँ, आपके फोन से अनइंस्टॉल करवाने आया हूँ। क्या बोला तूने? कुछ ऐसे भी एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद है जिनका काम सिर्फ आपका पोपट बनाकर काटना है। और कुछ महान शक्तिमान ऐसे भी एप्स मौजूद हैं जो सिर्फ आपके मन के ही साथ नहीं, आपके धन के साथ भी खिलवाड़ करके दोनों ही चीजें लूट के चले जाते हैं। सो कौन से वो एप्लीकेशन, जानते हैं डिटेल में और आपको उन एप्स के साथ करना क्या है। आप तो स्मार्ट हैं ही। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल EM। कुछ दिन पहले ना मुझसे कमेंट करके किसी ने पूछा था कि भाई क्या हम मोबाइल की फ्लैश लाइट का प्रोजेक्टर बना सकते हैं। आई एम शॉक्ड। मैं क्या यार ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसने कहा कि एप्लीकेशन ऐसे ऐड आ रहे हैं। मैंने प्ले स्टोर पर जब सर्च किया तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मिले जहाँ पर मैंने कुछ ऐप इंस्टॉल करके देखे। कुछ ऐप थे जो सिर्फ स्मार्ट प्रोजेक्टर के लिए, जिससे आप अपना प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि सही है। बट ये रैंडमली मैंने ऐप इंस्टॉल करा जो कि HD वीडियो प्रोजेक्टर। इस पर क्लिक कर दे, लाइव आपको दिखा दे और भाई ऐड आ गया। ओके, इसके बाद फिर से क्लिक कर दें, फिर से ऐड आ गया। मतलब इतने सारे ऐड। ओहो, मैंने होम स्क्रीन पर सिर्फ ऐड ही ऐड भरे पड़े हैं। दिखाता हूँ आपको, सिर्फ ऐड, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। और अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है गेट स्टार्ट, इस पर क्लिक कर दें। फिर से ऐड आ गया यार, कितने ऐड दिखाओगे। ठीक है, ओके, काफ़ी सारे ऐड हैं यहाँ पर स्क्रीन पर भरे पड़े। और यहाँ पर है क्लिक करने, और यहाँ पर है प्रोजेक्टर, इस पर क्लिक करते हैं। फिर से ऐड आ गया यार, इतने ऐड कौन डालता है यार। ओके, प्रोजेक्टर हमारा शुरू हो गया बट फ्लैश लाइट ओपन नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर मेरी वीडियो आ गई, मैं प्ले कर देता हूँ। ओके, ओ माय गॉड, देख रहे हो प्रोजेक्टर आपकी दीवार पर वीडियो चल रही है, जो वॉल है ना आपके, मतलब नीचे, तू चुप हो जा पहले, मतलब नीचे मोबाइल शो हो रहा है यहाँ पे और उसकी फ्लैश लाइट आपके स्क्रीन पर ही है। यानी ऊपर आपके छोटे से विंडो पर वीडियो दिखा रहा है और नीचे प्रोजेक्टर है मोबाइल स्क्रीन पर। इतना तगड़ा वाला पोपट बना रहे हैं ना ऐसे एप्लीकेशन के, इनका क्या ही कहना है। और इतने सारे ऐड भरे पड़े हैं कि सिर्फ आप ऐड से ही थक जाएंगे और ये लोग ढेर सारा पैसा छाप लेंगे। मतलब आपको प्रोजेक्टर पर मूवी देखनी है तो आप इतने छोटे विंडो में देखेंगे, इससे अच्छा भैया बिना प्रोजेक्टर पर बड़े स्क्रीन में देख लो। ये वॉल पर नहीं चलता, कामों का पोपट बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने ट्राई करे और सबका यही है। और कई बार ऐसे एप्लीकेशन जो पूरी तरह से गलत है, मिसलीडिंग कर रहे हैं और फ्रॉड है, ऐसे ऐप से भैया सावधान है, बच के आपका पोपट बना के काट रहे हैं तगड़ा वाला। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, हमें इन टाइप के भी ऐप कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है, हम ये जान सकते हैं कि व्हाट्सएप के हमारी DP कौन कौन देख रहा है। हैं, मैं पहले आपको जवाब दे चुका हूँ, बट प्ले स्टोर पे ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन है और यही ऐप के बारे में लोग मुझसे पूछते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रैंडमली ऐप इंस्टॉल करा। इस ऐप के अंदर विजिटर और विजिटेड और कॉन्टेक्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप विजिटेड पर क्लिक करते हैं तो आपको रैंडमली, मतलब आपके जो फ़ोन के कॉन्टैक्ट है उसकी परमिशन ले लेता है ये एप्लीकेशन, फिर रैंडमली उन्हीं कॉन्टैक्ट को दिखाता है। जितनी बार आप चेक करेंगे उतनी बार रैंडमली हर कॉन्टैक्ट को यहाँ पर शो करेगा और उन कॉन्टैक्ट को भी शो कर देता है जिन्होंने शायद कभी सपने में भी व्हाट्सएप नाम की चीज़ भी नहीं सुनी होगी, चलाना तो दूर की बात है। तो उनके भी नंबर यहाँ पर शो कर देता है। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि पूरी तरह से फेक एप्लीकेशन है और यहाँ पर आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, कॉइन्स आपको खरीदने पड़ेंगे जो कि बहुत महंगे कॉइन खरीद लेते हैं। उसके बाद भी आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन आपकी व्हाट्सएप की DP देखता है, बिकॉज यार व्हाट्सएप के सर्वर पर इस चीज़ का लॉग होता ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो आप कैसे पता कर सकते हैं। और इन ऐप का नुकसान क्या होता है, ये एप्लीकेशन आपके कॉल की, आपके कॉन्टैक्ट की परमिशन ले लेते हैं। तो ऐसे ऐप का भी यूज़ करना रिस्की है, आपकी प्राइवेसी डेटा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। नेक्स्ट, प्ले स्टोर पर ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन मिलेंगे फ़ोन क्लीनर नाम से, जो फ़ोन क्लीन करने का दावा करते हैं। ऐसे ऐप भी आप कभी भी यूज़ ना करें, बिकॉज वो एप्लीकेशन क्या करते हैं, दावा करते हैं कि वो आपकी बैकग्राउंड रैम क्लीन करते हैं, स्टोरेज में स्पेस बनाते हैं। तो ना ही तो वो रैम क्लीन करते हैं और ना ही स्पेस बनाते हैं। स्पेस बनाने के लिए आपको फाइल डिलीट करवाएंगे और ये काम आप खुद से कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बात करें रैम क्लीन करने के, भाई वो
रिसेंट फाइल भी क्लीन नहीं करवा देते। तो ऐसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में जगह घेरते हैं और कई फ्रॉड एप्लीकेशन आपके फ़ोन में एडवेयर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल यूजलेस एप्लीकेशन है जिनका कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं, फिर भी लोग इन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं। मिलियन मिलियन डाउनलोड्स हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खैर, आप स्मार्ट है मेरी वीडियो देखते हैं तो ऐसे ऐप से बच के ही रहना। नेक्स्ट ऐप की बात करें, जो लोग गेम खेलते हैं या गेम नहीं भी खेलते और उनका फ़ोन जो है ना हीट हो जाता है, हीटिंग होने लगता है, तो वो प्ले स्टोर पर जाके सर्च करते हैं फ़ोन कूलिंग ऐप, फ़ोन कूलर ऐप। प्ले स्टोर में भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है कूलिंग और कूलर नाम के। भैया क्या बताओ, भैया आप एक बात खुद बताओ, क्या वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में पंखा वंखा लगा देंगे क्या, या कूलर ला के ठोक देंगे आपके फ़ोन में? नहीं है ना पॉसिबल। तो ये एप्लीकेशन भी पूरी तरह से बेकार, फालतू, यूजलेस है, जिनका जिनको आप यूज़ करते हैं तो वो आपके फ़ोन में एक जगह घेरते हैं, बैकग्राउंड में रन करते हैं और पैसा छापते हैं, पैसा बहुत तगड़ा वाला, पैसा ही पैसा होगा। नेक्स्ट, कीबोर्ड। ऐसे कीबोर्ड नाम के बहुत सारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कीबोर्ड एप्लीकेशन जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कीबोर्ड नाम से हैं, फनी कीबोर्ड, इमोजी कीबोर्ड, बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड हैं। तो उन ऐप को जब आप यूज़ करते हैं तो पहले आप ये जान लीजिए कि वो वाकई में जेन्युइन या ट्रस्टेड कीबोर्ड हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप कीबोर्ड से अपना अकाउंट बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, पिन डालते हैं। तो अगर कोई ऐसा कीबोर्ड होगा जो एक की लॉगर होगा तो वो एक लॉग बनाता रहेगा आपके पासवर्ड का, पिन का, जो भी आप लिखेंगे, टाइपिंग करेंगे, पूरा लॉग बनाएगा और वो अपने सर्वर पर आपकी पूरी लॉग हिस्ट्री भेजेगा जिससे आपके अकाउंट हैक हो सकते हैं। कभी भी कोई भी कीबोर्ड यूज़ करें तो पहले जान लें ट्रस्टेड है या नहीं है। मैं भी ऐसे काफ़ी सारे कीबोर्ड आपको बताता हूँ तो ये सबसे पहले चेक करता हूँ कि ये इतना सिक्योर है या नहीं है। नेक्स्ट, ये वाला एप्लीकेशन ना आपके मन के साथ खिलवाड़ करता है और आपके धन और मन को भी लूट लेता है, जो कि ये डेटिंग ऐप। एक एप्लीकेशन नहीं, डेटिंग ऐप, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनका काम है आपका पोपट बना के तगड़ा वाला काटना और फिर आपसे पैसा कमा के, मतलब एक बार ये लोग इतना मीठा मीठा जाल बनाते हैं ना, इतना तगड़ा आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर दें। एक बार आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर हाय लिख के भेजेंगे तो उधर से हाय आ जाएंगे, दोबारा आप रिप्लाई करेंगे तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, कॉइन्स या स्टार या क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप रिप्लाई कर सकते हैं। जब आप रिप्लाई करेंगे उधर से कॉल की डिमांड होगी, फिर आपको कॉल करना पड़ेगा, यानी कि पूरी तरह से इसमें फंस जाते हैं। ऐसे एप्लीकेशन से बच के रहना, क्योंकि ये डेटिंग एप्लीकेशन कई बार क्या करते हैं, आपकी वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। लड़कों को ब्लैकमेल किया जाता है, लड़कियां ब्लैकमेल करती हैं, पैसे मांगती हैं और इसे बोलते हैं एक हनी ट्रैप स्कैम। जी हाँ, और ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। तो इन एप्लीकेशन से आप हमेशा बच के रहें। अगर आप यूज करते हैं तो फटाक से अनइंस्टॉल कर दीजिए, और अगर आप करने की सोच रहे हैं तो अपने फटाक से दिमाग से ये बात भी निकाल दीजिए। और फटाक से मैं निकलता हूँ यहाँ से, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबाना, ऑल पर क्लिक करना, और बस मेरा हो गया, लाइक कर दिया, ठीक है, टेक केयर।